श्रीमान एसआई साहब, महेंद्र श्री और टीचरगण, मेरे फायर स्टाफ, प्यारे भाइयों और बहनों, टीचरगण और पधारे हुए मेरी माताएं, आज तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आग का डेमोन्स्ट्रेशन अपने घर में सबके आग तो जलती है और आग की आए दिन घटना घटती रहती है। उस घटना को रोकथाम, यदि छोटी सी घटना घटती है उसके ऊपर अपन कंट्रोल कर लेते हैं तो वो बड़ा मेजर रूप लेने से बच जाती है और उससे कई जनधन की हानि नहीं होती है। ठीक है, यदि उस स्तर को अपन कहते हैं ना, छोटे स्तर को, हल्के स्तर पर यदि तुरंत सूचना मिले या उसका तुरंत उपाय करके बुझाया जाए आग या उसको कम कर दिया जाए तो वो छोटा रूप में बच जाती है, और यदि वो ज्यादा समय तक रहती है तो मेजर रूप रहती है और वो बड़ी घटना का रूप लेती है। और उसी जागरूकता के रूप में हम आपको करके दिखा, यदि कहीं पर भी इमरजेंसी होती है, यदि कहीं भी घटना घटती है तो उसकी सबसे पहले तो फायर है उसकी सूचना देनी, फायर ब्रिगेड को या पुलिस कंट्रोल रूम। ठीक है, अपना सीनियर अधिकारी वहां पर जो भी उपस्थित हो उसकी तुरंत सूचना देनी, उसको छुपा के नहीं रखना है, या खुद प्रैक्टिस जहां तक सूचना देके उसको खुद कवर करने की कोशिश करनी है, और उसको कैसे बुझाना है और उसको कैसे खत्म करना है उसके बारे में छोटी छोटी चीजें हैं आसानी से आप कर सकते हो, और आपके द्वारा भी मैं करवाऊंगा। जो अभी यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन होगा उसको आपको ध्यान से देखना है, स्टूडेंट टीचर दोनों से मैं उसको कराऊंगा रियल सर में कैसे किया जाता है। पहले ये करके दिखाएंगे आपको, यदि आग लगती है तो उसके कैसे बुझाया जाता है और कैसे नहीं जाए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक आग का चैप्टर आपके कोर्स में भी है, सिलेबस में। तो ये आग पांच प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक क्लास लेते हैं, एक क्लास में फायर होती है जैसे साधारण आग होती है, जैसे लकड़ी है, कपड़ा है, जुट है, कचरा है, घर में बिस्तर है, बेड है, ये सारी आग है ना, वो एक क्लास में रखेंगे। उसके लिए अपन सिर्फ पानी डालेंगे। क्या डालेंगे? पानी। पानी क्यों डालते हैं? पानी हर जगह आसानी से अवेलेबल होता है और फ्री में मिलता है। दूसरी चीजों का महंगी का उपयोग कर सकते हैं बट वो पैसे लगते हैं, पानी फ्री में मिलता है। और पानी का टाइमिंग से सबसे ज्यादा होता है, पानी सबसे ज्यादा हीट को, मतलब हीट को ग्रहण करता है, ठीक है, इसलिए वहां पर पानी चलाते हैं। बी क्लास फायर, बी क्लास फायर में क्या रखेंगे अपन? लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ से समझते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ल्यूब्रिकेशन ऑयल जैसे गैस है, ये सारे है ना, इसको बी क्लास में रखेंगे। ये तेल है, इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि ये कोई तो पानी से हल्के होते हैं, जो पानी अपन डालेंगे तो ऊपर तैरेंगे या पानी के अंदर डूब जाएंगे या पानी मिक्स हो जाएंगे। जैसे सबके घरों में, आप घरों में तो नहीं बोल सकता, मैं काफी जगह देखा होगा शराब पीते लोग, शराब में भी आग लगती है, ठीक है ना, वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है, तो उसके लिए वो आग होती है तो उसको कैसे बुझाया जाता है? ठीक है, बी क्लास। उसके लिए या तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए या ब्लैकेटिंग, उसको बंद करके, मतलब उसको सोर्स होते हैं। आग जलने हमसे कितने सोर्स चाहिए? तीन सोर्स, जलने वाला पदार्थ, तापमान और ऑक्सीजन, ये तीन चीज होती है ना, इन तीन चीजों में से एक को भी अगर बंद कर देते हैं तो आग नहीं लगेगी। यदि ये तीन चीज मिल रही है और उसके आगे जो जल रहा पदार्थ कंटिन्यू नहीं मिले, जैसे कपड़ा जल रहा है तो उसके जो जला नहीं है ना उसको अपन हटा लेना तो भी थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताएंगे सी क्लास फायर, तीसरे नंबर की आगे जो कौन सी है, सी क्लास फायर है। सी क्लास फायर के अंदर गैस फायर आती है, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मेथेन है, ये सारी जो गैसों की आग होती है, इस आग को कौन सी क्लास में रखेंगे अपन? सी क्लास में। और इसमें आग लगती है या ये लीकेज होती है तो ये भारी होती है। कैसे होती है? और भारी होती है, कोई तो हल्की होती है जो वातावरण में उड़ जाती है तो उसका कोई खतरा नहीं होता, और जो भारी होती है ना, जहां पर अपने उस स्थान का नीचे का भाग, नीचे का भाग बोल सकते हैं, जैसे सतह या कोई गड्ढा हो, जैसे अपन किचन में एलपी सिलेंडर रखा है उसमें भी भारी गैस होती है, हवा की तुलना में वो भारी होती है और वो हमेशा नीचे की स्तर पर रहती है, और अपन जब भी माचिस की तीली या कोई भी सोर्स जलाएंगे तो बड़ा से आग लग जाएगी और बड़ा विस्फोट हो सकता है। उसके बाद डी क्लास फायर, जो धातु में आग लगती है, मेटल फायर, उसके लिए ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग किया जाता है। मेजरतर धातु की आग यहां देखने को नहीं मिलती है, मेटलिंग प्लांट में देखने को मिलती है। यहां सिर्फ देखना है तो वेल्डिंग वाले के पास जाके देखना, वो धातु को गर्म करता है ना तो वो आग जैसे एक बार जलता दिखता है। उसके बाद पांचवा क्लास फायर बची है वो है इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत की आग, समझते विद्युत में सब।
यदि उसमें कहीं विद्युत में आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले उस लाइट को बंद करने की कोशिश करें। मेन स्विच पावर सप्लाई है, अपने घर पे एमसीबी ईएलसीबी ये लगवा के रखें, जिससे तुरंत ट्रिप हो जाए और फिर आसानी से आग बुझ जाए। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिकल में अपने मेन बोर्ड में भी आग लग गई है तो बिजली घर को सूचना दे, कृपया उस पे पानी वानी न फेंके। उसके लिए अपने पास CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है तो चलावे, अन्यथा अग्निशमन है या कोई भी उच्च अधिकारी है उसको सूचित करे। ठीक है, उसके ऊपर पानी वानी न फेंके। अब आपको सबसे पहले आपको गैस सिलेंडर, आपके घर के अंदर सबके अंदर कुकिंग गैस सिलेंडर तो होगा ही, सबने देखा होगा, उसमें कई बार घटनाएं घटती है। उस सिलेंडर में क्या होता है, कभी तो नली में आग लग जाती है तो कभी रेगुलेटर में, और कभी रेगुलेटर खुद ही चलने लग जाता है। भाई नली में लगती है तो नली को खींच के निकाल के पीछे बंद कर दे, और कभी खुद ही जलने लग जाता है, अब उसका क्या करें। तो उसकी सारी प्रैक्टिस सबके सामने करके दिखाएंगे। ठीक है।